मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे आसपास कई आकृति की वस्तुएं विद्यमान रहती है। उनमें से कुछ गोल रहती है, कुछ त्रिकोण रहती है, कुछ आयताकार रहती है। तो आज हम गोल वस्तुओं की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गोल गोल संसार। और ये क्या है, ये चित्र कथा है। इस कथा में अमन और अंतरा दो भाई बहन हैं। अंतरा सुबह सुबह सूरज को देखकर ये सोच रही है कि सूरज कितना सुंदर और गोल है। तभी अमन दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दीदी दीदी इस रस्सी को पकड़ो। अंतरा रस्सी पकड़ती है और अमन चारों ओर घूमकर एक सुंदर गोला बनाता है। अंतरा पूछती है, ये गोला तुमने क्यों बनाया, ये इतना सुंदर दिख रहा है। अमन कहता है, इसमें हम गेंदे के फूल लगाएंगे। और दोनों मिलकर वहां पर गेंदे के फूल लगाते हैं। तब अमन कहता है कि स्कूल में वह क्या करता है, बोतल के ढक्कन से गोला बनाता है और लड़कियां अपनी चूड़ी से गोला बनाती है। तब अंतरा बताती है कि रोटी, सीढ़ी, सिक्का, चकला आदि वृत्ताकार चक्की कहलाती है। तब अमन पूछता है, चूड़ी और रिंग को क्या कहते हैं। अंतरा बताती है, इसे वृत्ताकार छल्ला कहते हैं। और वे दोनों गांव की अन्य की गोल वस्तुएं देखने निकल पड़ते हैं। उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है और कुएं की मुंडेर उन्हें गोल दिखाई देती है। मुंडेर समझते हो, जो छत के आसपास छोटी दीवार होती है कम ऊंची, उसे मुंडेर कहते हैं। तो कुएं के आसपास जो दीवार बनी है वो भी गोल दिखाई देती है। फिर उन्हें कोल्लू का बेल दिखाई देता है। तो वो बेल जिस पगडंडी पर चल रहा है वो भी गोल है। पगडंडी समझते, पैदल चलने की का रास्ता। तो बेल जिस रास्ते पर चल रहा है वो भी गोल है। अमन और अंतरा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुमार काका के घर पर क्या दिखाई देता है, कुमार काका का चाक गोल दिखाई देता है और काकी की चक्की भी उन्हें गोल दिखाई देती है। जब वो घर लौटने के लिए मुड़ते हैं तो उन्हें रास्ते में जुम्मन काका की जीप दिखाई देती है और जीप का पहिया भी गोल दिखाई देता है। इस तरह उन्होंने गांव की कई गोल वस्तुएं देखी और वापस गाना गाते हुए घर लौट गए। तो गोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्ताकार। तो आज आपने देखा कितनी चीजें गोल होती है। यस, और हम जिस दुनिया में रहते हैं हमारी दुनिया भी गोल होती है। देखा है आपने, ग्लोब देखा है। यस, ग्लोब भी कैसा रहता है, गोल रहता है। तो अब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं। आज सुबह के सूरज को देखकर अंतरा सोच रही है, अरे वाह सूरज कितना सुंदर और गोल है, बहुत गोल, बिल्कुल अम्मा की थाली की तरह। अंतरा अपने आंगन में जाती है तभी उसका भाई अमन दौड़ता हुआ आता है। दीदी दीदी इसे पकड़ो ना, और मैं जैसे जैसे घूम रहा हूँ तुम भी अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमना। क्यों, क्या करना चाहते हो। अमन उसे बताता है कि उसे एक गोला खींचना है जिसमें वह गेंदे के पौधे लगाएगा। अंतरा हंसती है और उसकी मदद करती है। अरे वाह कमाल है, यह गोला तो सूरज जितना सुंदर और गोल है। दोनों ने मिलकर उस गोले वाली रेखा की मिट्टी खोदी और उसमें गेंदे के पौधे लगाए। अमन तुमने इस तरह से गोला बनाना कहाँ से सीखा। मैंने स्कूल में सीखा है, अमन ने बताया कि अपनी कक्षा में तो वह बोतल के ढक्कन से और लड़कियां अपनी चूड़ी से भी गोला बना लेती हैं। तुम्हें पता है अमन, रोटी, सिक्का, सीढ़ी, चकला जैसी चीजें वृत्ताकार चकती कहलाती हैं। अच्छा तो चूड़ी और रिंग को क्या कहेंगे, वृत्ताकार छल्ला। अंतरा अमन के साथ गाँव की अन्य गोल वस्तुएं देखने निकल पड़ती है। वह देखो, कुएं की मुंडेर और कोलू का बैल जिस पगडंडी पर चक्कर लगा रहा है ये दोनों गोल हैं। अमन और अंतरा आगे बढ़ते हुए कुम्हार काका के घर आगे आते हैं। काका का चाक और काकी की चक्की दोनों वृत्ताकार ही हैं। हाँ चलो अब घर चलें। वापस आते समय उन्हें जुम्मन भैया मिले। दीदी भैया की जीप के पहिए भी गोल हैं, हा हा हा। अमन और अंतरा दोनों हाथ पकड़े गाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। गोल है सूरज गोल ही चंदा, गोल है रोटी गोल ही चकला, गोल गोल की गेंद हमारी, गोल गोल हर सारा संसार, हा हा हा। अब हम
पेज नंबर 46 पर अपना अभ्यास हल करते हैं। पढ़िए, आकृति, मिट्टी, लकड़ियां, वृत्ताकार, मुंडेर, कोल्हू, पगडंडी, कुम्हार, चक्की, जुम्मन। बताइए अंतरा क्या सोच रही है। अंतरा सोच रही है कि सूरज अम्मा की थाली की तरह गोल है। कुमार की पत्नी चक्की से क्या करती होगी? कुमार की पत्नी चक्की से आटा पीसती होगी। क्या अंतरा और अमन ने गांव की सभी गोल चीजें देख ली होगी? हाँ, शायद अमन और अंतरा ने गांव की सारी गोल चीजें देख ली होगी। सोचिए, अंतरा ने गोल खींचने में अमन की मदद की। आप अपने भाई बहन की मदद किस प्रकार करते हो? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। यस, लिखिए। अब आप समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। नंबर वन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। आज सुबह के डैश को देखकर अंतरा सोच रही है। सुबह के किसको देखकर? सूरज को देखकर। यस, गोले में अमन के फूल लगाएगा। किसके फूल लगाएगा? गेंदे के फूल। डैश और रिंग को वृत्ताकार छल्ला कहते हैं। किसको? चूड़ी और रिंग को वृत्ताकार छल्ला कहते हैं। वापस आते समय अंतरा और अमन को कौन मिले? जुम्मन भैया मिले। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। अमन ने गोले में क्या लगाया? गेंदे के फूल लगाए। जुम्मन भैया की जीप के पहिए कैसे थे? गोल, वृत्ताकार। दोनों गांव से क्या करते हुए वापस आए? वे दोनों गांव की सारी गोल चीजें देखते हुए वापस आए। पेज नंबर 47 पर देखिए व्याकरण संबोध। ध्यान दीजिए। अरे वाह, रोटी, चक्का, सीढ़ी गोल होते हैं, सूरज गोल है, क्या करना चाहते हो? यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पर रुकते हैं, तो हमें कितना और कहाँ रुकना है ये बताने के लिए हमें कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उनमें से आपको ये चिन्ह देखिए। अरे वाह, कौन सा चिन्ह है? विस्मय सूचक। रोटी, अल्प विराम, चक्का और सीढ़ी गोल होते हैं, पूर्ण विराम, सूरज गोल है। पूरा वाक्य खत्म होने के बाद हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या करना चाहते हो? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। जब भी हम कोई प्रश्न लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। नंबर टू, नीचे दिए गए अंकों को सही शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर कुछ अंक और शब्द दिए हैं, तो आपको ये देखना है कि ये हिंदी का अंक और ये हिंदी के शब्द, इनको सही जगह पर आपको मिलाना है। नंबर वन, नो। जहां पर नो लिखा है वहां पर नंबर वन लिखिए। 19 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नो के नीचे। नंबर टू, 29 सबसे ऊपर। नंबर थ्री, 26 सबसे नीचे। नंबर फोर और 16 सेकंड लास्ट। यस, नंबर कौन सा है? 5। पेज नंबर 48 पर देखिए वचन बदलिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं एक वचन में, आपको उसको बदलकर बहुवचन में लिखना है। एक लड़की, बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। यहाँ पर जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो आखिरी में अगर बड़ी की मात्रा है तो वो कौन सी हो जाती है? छोटी हो जाती है। थाली, थालियां। रस्सी, रस्सियां। लकड़ी, लकड़ियां। पौधा, पौधे। सिक्का, सिक्के। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग समझिए और दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं ना व्याकरण में? यस। देखिए, अ, अदम और मा। मा कौन सा व्यंजन है? ये द्वित्व व्यंजन। यस, दो एक जैसे व्यंजन है इसलिए। जुम्मन, चम्मच। अब देखिए, आधा क और क। सिक्का, ढक्कन, चक्कर।
नंबर थ्री पे देखिए, अच्छा मच्छर मगरमच्छ आधा च और छ। नंबर फाइव विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपने क्लास सेकंड में पढ़ा था याद है? यस। तो यहाँ पर आपको कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, उनको सही स्थान पर लिखना है। अंतरा सूर्य की आकृति देख रही थी, कैसी आकृति होती सूर्य की? गोल। अंतरा के चारों ओर एक गोला बन गया, कैसा गोला? सुंदर गोला। बगीचे में कैसे फूल खिले? रंग बिरंगे। अमन बच्चा है, कैसा? छोटा बच्चा। अब आइए पेज नंबर 49 पर, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी है जिनके नाम आपको लिखना है। पुस्तक, पुस्तक किस आकार की होती है? आयताकार। फिर आइसक्रीम, ये जो दिख रही है आपको कौन, ये कौन सा आकार है? शंक्वाकार। और गैस सिलेंडर कौन सा आकार कहलाता है? बेलनाकार। अमन और अंतरा को घर तक पहुंचाइए, ये आप अपने आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उनको आपको लिखकर याद करना है। समझ गए आप? यस। अब हम अगला पार्ट पढ़ने के लिए फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।